चलिए अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं और इसे लेकर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं पीएम के काशी दौरे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जी, इनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री आज बनारस में हैं, जनता का धन्यवाद करने पहुंचे हैं, कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा? देखिए, काशी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दे के, बाबा भोले ने, वहाँ की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से दो बार विजयी बनाया है, इसलिए और पहले से ही बाबा भोले के भक्त हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसलिए वो काशी की जनता का अभिवादन करने के लिए वहाँ की जनता ने बहुत बड़ा स्वागत किया, लेकिन वहाँ की जनता को धन्यवाद देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बाबा भोले विश्वनाथ की पूजा करने के लिए गए। ये पूरे विश्व ने देखा है, भारतवर्ष ने देखा है, ये ऐसे संस्कार हैं जो व्यक्ति में जन्म से पड़ते हैं, वही आदरणीय मोदी जी एक सनातन धर्म के आदर्श हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है पूरे देश भर में, आपको क्या लगता है कि इस बार देश की जनता ने जाति पाति पर विश्वास नहीं किया? देखिए, जात पात की जड़ों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों ने खोखला कर दिया। ये जात पात की जड़ों की वजह से भारतवर्ष की राजनीति में तुष्टीकरण पैदा हुआ और तुष्टीकरण पैदा होने की वजह से लोग विकास से बिल्कुल भटक गए। विकास किसी को याद नहीं रहा, जातीयता के आधार पर काम करने लगे, जातीयता के आधार पर नौकरियों में भर्तियां होने लगी और जहां योग्यता थी उसको उठा के कोने में रख दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों से, अपनी नीतियों से जनता की सेवा करके सबका साथ सबका विकास ये साबित कर दिया, जिससे इस जातिवाद की जड़ें पूरी तरह से खोखली हो गई और चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे भारतवर्ष का अन्य कोई क्षेत्र हो, सभी ने जात पात और धर्म पंथ से ऊपर उठ के आदरणीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे चौधरी साहब को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री बनारस गए हैं जनता को का आभार व्यक्त करने के लिए। साथ ही ये भी कहना है कि इस बार के चुनाव में जनता ने जाति पाति से ऊपर उठकर विकास के एजेंडे को चुना है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ ममता चतुर्वेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।